हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन का विवादित वीडियो वायरल होने के मामले में यूपी सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का धर्मांतरण गैंग से कनेक्शन सामने आ रहा है। उनके सरकारी आवास पर उनकी मौजूदगी में धर्म परिवर्तन को लेकर तकरीरें दी गईं। तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। मामले के वीडियो में वरिष्ठ आईएएस दूसरे समुदाय के लोगों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहे हैं। वीडियो उनके आवास का बताया जा रहा है। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद सोमवार को पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वायरल वीडियो की जांच एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीना को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि जांच में देखा जाएगा कि क्या वीडियो में कोई अपराध प्रदर्शित हो रहा है या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की ओर से किसी नियम का उल्लंघन किया गया है। बता दें कि इस मामले की दो दिन पहले ही मठ मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ आईएएस सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें हिंदुआ न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।